कैट दिल्ली की ओर से दो दिवसीय अधिवेशन का आयोजन नागपुर शहर में किया गया, जिसका उद्घाटन गुरुवार को किया गया। इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उपस्थित हुई थी। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि हमें महिला पावर के बारे में जानना चाहिए। एक पुरुष और महिला अपना घर चला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और ये सिर्फ भारत देश में ही हो सकता है। मगर जो धीरे 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 बढ़ता है, जैसे पेड़ का उदाहरण लें कि कैसे धीरे धीरे वो जमीन से बाहर निकलता है और कितना भव्य हो जाता है। आंधी आए, तूफान आए, कोई भी आए, वो पेड़ मजबूती से खड़ा रहता है। श्रीमती स्मृति ईरानी जी बार बार हमको कहती है कि हर महिला में मेरे को बड़ और पीपल का पेड़ दिखना चाहिए व्यापार के। इन महिलाओं को ऐसे डेवलप करो, इनकी क्लासेस लो, इनके ग्रुप बनाओ, इनकी समितियां बनाओ और इनको पॉलिश करो, पॉलिश करके इनको आगे लाओ। लेकिन महिला और उसका उत्थान, इसको हमें हिंदुस्तान की दृष्टि से, भारत की सभ्यता की दृष्टि से देखने की जरूरत है। हमारा वो राष्ट्र है जिसने विश्व भर में पहले से ही एक रचना दी, एक स्वभाव दिया। आप कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लें, कोई भी विश्व का कोना उठा लें, अर्धनारीश्वर की कल्पना सिर्फ और सिर्फ भारत में रही है। मतलब महिला और पुरुष, शिव और शक्ति एक साथ मिलकर संसार चला सकते हैं, संसार बचा सकते हैं, संसार बढ़ा सकते हैं, ये कल्पना सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में। तो जो लोग इस गलतफहमी में हैं कि महिला आगे बढ़ जाएगी तो पुरुष क्या करेंगे, वो शायद भारत की इस सोच को समझे नहीं है। फेमिनिज्म और पश्चिम के देशों में महिला के उत्थान, महिला के एम्पावरमेंट की बात होती है। हमारा एकमात्र देश ऐसा है जो कहता है महिला के माध्यम से समाज का विकास, महिला के माध्यम से परिवार का सशक्त होना, और इन दोनों सोचों में बहुत फर्क है। ब्रिजमोहन जी ने आज मुझसे जब चर्चा की तब मैंने उनसे कहा कि अगर हम महिला को व्यापार में आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो इसका। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।